ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण दलिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं श्री चैतन्यमीश्वरं श्री गुरुं दीनतारणं हरे कृष्ण। जैसा कि हमने सुना कि इसके सुंदर गोपाल प्रभु जी आने वाले थे और सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाले थे, तो हमें सेवा दिया गया है उज्ज्वल सुंदर प्रभु के द्वारा और भी सब भक्तों के द्वारा, तो हम इसको निभाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कोई लिस्ट सबके पास है, इसके पहले 40 प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं, तो सबको सबको पता है सारे 40 क्वेश्चंस के आंसर। तो जो 40वां प्रश्न था, भगवान हमें कष्ट क्यों देते हैं, इसका उत्तर पता है सबको? कोई बता सकते हैं? कोई पिछले सेशन में है थे? अपने कर्मों के मुताबिक हमें कष्ट मिलते हैं, ठीक है। तो आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। भगवान अगर आनंदमय हैं, तो हमें क्यों बनाया और ये सृष्टि क्यों बनाई? एक गाना था हिंदी सिनेमा में, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, कहे को दुनिया बनाई। अगर भक्ति के पक्ष का क्लास में आ जाते हैं तो राज कपूर जी तो ये सवाल का समाधान हो जाता है। भगवान आनंदमय है और जीवात्मा जो है हम, मतलब ये हम भी भगवान की ही तरह आनंदमय है। वास्तव में हम भगवान के अंश हैं। ममे वांछो जीव लोके, गीता में भगवान बोलते हैं, ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातन। जीव जो है मतलब हम भी भगवान के अंश हैं। भगवान सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद हैं। वास्तव में जो मूल जो हमारी स्थिति है, हम आत्मा के रूप में हम भी सच्चिदानंद ही हैं। और जैसे अंश का कर्तव्य होता है पूर्ण की सेवा करना, उसी तरह से हम जो जीवात्माएं हैं, हम भी भगवान की शक्ति हैं और हमारा भी कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें। तो यदि और जब अंश जो है वो पूर्ण की सेवा में लगता है, तो अंश भी संतुष्ट होता है, पूर्ण भी संतुष्ट होता है। और ये भगवान तो अनंत हैं, भगवान तो विभू हैं और हम अणु हैं। भगवान को तो अंतर नहीं पड़ता, हम भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान को इतना अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हमें काफ़ी अंतर पड़ता है। तो जब हम भगवान को भूलना चाहते हैं, तो वास्तव में तो जीव की जो स्थिति है वो भगवान की सेवा करने की है। भगवान का जो नित्य धाम है वैकुंठ जगत, वास्तव में हमारा मूल जो संवैधानिक स्थिति है, हमारी जो ओरिजिनल जो पोजीशन है वो वहाँ पर है, भगवान के धाम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में, उसको वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ में भी अलग अलग लोक हैं,
जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, और शाश्वत रूप से जीवात्मा वहाँ पर रहता है और वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। और पांच प्रकार से भगवान की सेवा जीव कर रहा होता है भगवान के धाम वैकुंठ जगत में। वैकुंठ जगत में जो सबसे सर्वोत्कृष्ट सबसे उत्तम जो स्थान है वो गोलोक वृंदावन है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो ब्रज की लीलाएं हैं, जो वृंदावन में हम देखते हैं ब्रज की लीला, जहाँ गोपियाँ हैं, इसका वर्णन ब्रह्मसेतन ब्रह्मा जी करते हैं। वेणुपनंदम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समस्तकाम गुरु सुंदरांगम गंधर्व कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजामि चिंतामणि नगर सदन सुकल्प वृक्ष दक्षावृतेषु सुरभिर अधिपालयन्तम। वो स्थान जहाँ पर भगवान जो है वो सुरभि जो गाय होती है, सुरभि गाय, तो गायों को गोपालन करते हैं। वैकुंठ में भगवान गोपालन नहीं करते हैं, लेकिन गोलोक में भगवान गोपालन करते हैं। तो वो जो धाम है गोलोक, वो सबसे उत्तम स्थान है। और बाकी भी वैकुंठ जगत है, जिसमें एक धाम है साकेत नाम, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का नित्य धाम है, वहाँ भगवान राम के भक्त नित्य सेवा कर रहे होते हैं। और भी भगवान के जितने नाना प्रकार के अवतार हैं, वहाँ पर भगवान के भक्त उनकी सेवा करते हैं। तो हमारी स्थिति जो वास्तविक मूल स्थिति है वो भी वहीं पर है। लेकिन जब जीवात्मा भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रेम भगवान के धाम में तो प्रेम है, और जीवात्मा की जो स्वरूप है वो भगवान से प्रेम करने का है, तो जब जीवात्मा भगवान से प्रेम नहीं करना चाहता, ऐसी भी स्थिति आती है। क्योंकि प्रेम में कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते कि कोई लड़का किसी लड़के के कनपट्टी में बंदूक रखे और बोले उनसे प्रेम करो, तो वो प्रेम नहीं होता। प्रेम का मतलब प्रेम में जो है फ्रीडम दिया जाता है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसको फ्रीडम देते हैं उसके भले के लिए। तो प्रेम में फ्रीडम होती है। तो जब जीवात्मा भगवान की सेवा करना चाहता है तब तक प्रेम का संबंध होता है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। और लेकिन जब जीवात्मा भगवान से प्रेम नहीं करना चाहता, कुछ कुछ ही जीवात्मा ऐसे होते हैं, मैक्सिमम तो भगवान से प्रेम करते रहते हैं हमेशा, लेकिन कुछ जीवात्मा ऐसे होते हैं जो भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते। तो जो व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करना चाहता और भगवान से अलग होकर सेपरेटली एंजॉय करना चाहता है, खुद ही भगवान के समान बनना चाहता है, भगवान बनना चाहता है, तो उसको जो है भगवान ये सुविधा देते हैं इस भौतिक संसार में आकर वो भगवान बनने का प्रयास करें, भगवान बने। लेकिन क्योंकि जीवात्मा की जो संवैधानिक स्थिति है वो भगवान बनकर भोग करने की नहीं है, उसकी स्थिति है कि वो सेवा करे, भगवान की सेवा करे। तो जीवात्मा जब कृत्रिम रूप से जो है वो सेवा करने का प्रयास करता है, कृत्रिम रूप से भगवान बनने का प्रयास करता है, तो उसको कष्ट होता है, वो भगवान बन नहीं पाता है। भगवान तो फ्रीडम देते हैं कि ठीक है आप भगवान बनना चाहते हो, ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को आप फॉलो कीजिए और एंजॉय करिए मटीरियल वर्ल्ड में। तो जीवात्मा को रूल्स बता दिए जाते हैं। गीता में भगवान बताते हैं तीसरे अध्याय में, सह यज्ञ प्रजाश पूर्ववाच प्रजापति आर्यन प्रसविष्यम ऐश्वस्त काम दूर, कि भगवान जीवात्मा को भेजते हैं संसार में। जीवात्मा जब संसार में आता है तो भगवान ने जो है यज्ञ का विधान देता है, देखिए ये यज्ञ करो और आनंद में रहो, तो ये कुछ रूल्स हैं वेदों के शास्त्रों के, रूल्स के अनुसार आप एंजॉय करो। लेकिन वो जब रूल को ब्रेक करता है तो उसको फिर दंड दिया जाता है। तो सृष्टि का उद्देश्य जो प्रश्न था कि भगवान ने हमें क्यों बनाया, भगवान ने हमें बनाया, जीवात्मा को भगवान ने बनाया प्रेम करने के लिए। भगवान ने जीवात्मा को क्यों बनाया, प्रेम करने के लिए, प्रेम का विस्तार करने के लिए। भगवान का तो भगवान तो पूर्ण है, भगवान तो आत्मा राम है और पूर्ण काम है, उनके सारे कामनाएं पूर्ण होती है। निपुण में भी जो है वो विस्तार होता है, निपुण की परिभाषा है। भगवान जो अपने आनंद को और विस्तारित करना चाहते हैं, तो आनंद को विस्तार करने के लिए भगवान हमारी सृष्टि करते, जीवात्मा की सृष्टि करते। वैसे जीवात्मा का जीवात्मा हमेशा रहता है, लेकिन विस्तार है, जीवात्मा भगवान का ही विस्तार है। तो प्रेम को बढ़ाने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए व्यक्ति अकेला होता है, फिर देखा जाता है समाज में कि वो विवाह करता है,
क्योंकि वो आनंद बढ़ाना चाहता है अपना, आनंद बढ़ा के विवाह करता है तो उसके बाद संतान भी उत्पन्न होती है, क्योंकि आनंद को और विवाह करना और बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह से भगवान भी हमें बनाते हैं आनंद में विस्तार के लिए। हालांकि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आनंद का मतलब ही है कि जो निरंतर बढ़ता रहे, भगवान आनंद को बढ़ाते हैं लेकिन भगवान जबरदस्ती भी नहीं करते। तो जो जीवात्मा भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, कुछ संतान जो है पिता की आज्ञा के अनुसार नहीं चलना चाहती, तो पिताजी उनको कुछ पैसे देते इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। इस तरह से जीवात्मा इंडिपेंडेंट जब होना चाहता है तो भगवान उसको स्वतंत्रता देते हैं और उनको संसार में भेज देते हैं। ये संसार जो है इसका एक कारण यह है सृष्टि का कि जीवात्मा को भगवान से अलग होकर एंजॉय करने की सुविधा दी जाए, लेकिन ये जो संसार में रहकर जो एंजॉयमेंट मिलता है, जो सुख मिलता है तथा गरीब सुख, ये वास्तव में जीवात्मा को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी वो जो मूल स्थिति है वो ये नहीं है। ये संसार का सुख है वो इस तरह का सुख है जैसे कि एक रेगिस्तान में कोई व्यक्ति प्यासा है और कई दिन से पानी नहीं मिला उसको, और उसको जो है कई दिन के बाद एक बूंद पानी दिया जाए, क्योंकि वो एक बूंद पानी उसको संतुष्ट कर पाएगा कभी? कभी नहीं। दूसरी तरह से जीवात्मा का जो मूल स्थिति है, हमारी जो मूल स्थिति वो ये है कि हम भगवान के संपर्क में रहें, भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान से प्रेम हमारा विकसित हो और फिर हम भगवान की सेवा करके अनंत आनंद को प्राप्त करें, हम वो डिजर्व करते हैं। लेकिन उस आनंद को हम भूल चुके हैं हमारी खुद की स्वतंत्रता के कारण। तो भगवान ये देखते हैं कि जीवात्मा जो है दोषी की संतान है, जैसे जब संतान को कष्ट हो तो माता पिता को भी कष्ट होता है, तो भगवान भी जो है वो हमारी ओर से दुखी होते हैं कि देखो बेचारा मेरा अंश है, ये मेरा पुत्र है, ये कष्ट पा रहा है संसार में। भगवान ये भी चाहते हैं कि ठीक है जब तक एंजॉय करना चाहे करें, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा भी अरेंजमेंट हो ताकि वो मेरे पास वापस आ सके। तो भाई संसार में भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट भी किया है ताकि जीवात्मा जो भगवान को भूल चुके हैं वो फिर से भगवान को याद कर सकें, फिर से भगवान के धाम में लौट सकें। दूसरा कारण सृष्टि का ये है कि हम जो हमारी मेंटालिटी जो हमने गलत विचार कर लिया, गलत इच्छा की कि भगवान से अलग होकर हम खुद ही भगवान बनना चाहते हैं, खुद ही भोग करना चाहते हैं, उस गलत मेंटालिटी को हम फिर से सुधार सकें, तो दूसरा उद्देश्य सृष्टि का यह है। तो दोनों कार्य साथ में होते हैं, एक तो भगवान से अलग होकर एंजॉय भी करता है जीव, हालांकि उसमें उसको असली सुख नहीं मिलता, नकली सुख ही मिलता है, फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है, अल्टीमेट फ्रस्ट्रेशन है मृत्यु, तो फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है। लेकिन साथ ही साथ भगवान ये भी चाहते हैं कि हम भगवान को फिर से स्मरण करें, फिर से याद करें, भगवान के जो भगवान से जो हमारा प्रेम का संबंध था उस प्रेम की स्थिति में फिर से हम स्थित हो जाए, उसके लिए भी भगवान की सृष्टि करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जेल की रचना क्यों की जाती है सरकार के द्वारा, जेल का पर्पस क्या है, जेल का पर्पस क्या है, सजा देना, जेल का पर्पस था सुधारना, जो 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 अपराधी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको जो है वो जेल में डाला जाता है और वहाँ पे भी उनको उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था की जाती है, खाने पीने रहने की। जेल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ हाई क्लास के जेल होते हैं जिसमें एसी वेसी सब मिलता है, और कुछ जेल होते हैं काला पानी की तरह, कुछ जेल होते हैं बहुत हाई क्लास, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिस जेल में रखा जाता था वहाँ पर उनको पूरा फैसिलिटी दिया जाता था बहुत ज़्यादा, और उनके जो न्यूज़पेपर में उनको पढ़ना चाहे पढ़ते थे, जो खाना चाहे खाते थे, जो एंजॉय जितना दुनिया का जितना भोग हो सकता है सारा उनको दिया जाता था। कुछ भी ऐसे जेल होते हैं, कुछ जेल होते हैं काला पानी की सजा जिसको मिलती है, अंधेरी काल को उठने में बंद कर दिया जाता है। तो इसी तरह सही सृष्टि में भी कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को जो है काला पानी की सजा दी गई सावरकर जैसे, और कुछ जो है जवाहरलाल नेहरू जैसे कह दिए जिनको उसी तरह से हम यहाँ पे इसी जेल में भी देखते हैं कुछ लोग जो है वो बहुत गरीब होते हैं, कुछ जीवात्माएं कुछ बहुत धनी परिवार में जन्म लेते हैं जिनको बहुत
खुद जो है वो जी बेचारे पशु योनि में रहते हैं, कुत्ते सुअर ये सब लोगों को मारते हैं, कुछ जीव जो है नरक में यातनाएं भोगते हैं, कुछ जीव स्वर्ग में रहते हैं। तो स्वर्ग में रहे चाहे नरक में रहे सब दोनों जेल ही हैं, लेकिन स्वर्ग वाले जेल थोड़ा ठीक ठाक है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन वहाँ भी जो है कष्ट मिलता है, वहाँ भी असुर का आक्रमण होता है और वहाँ भी जो है पिटाई होती है देवताओं के लिए असुरों के हाथों से, रावण हिरण कश्यप ऐसे ऐसे असुर आते हैं वहाँ। तो कहने का मतलब ये कि सृष्टि का पर्पस दो पर्पस हैं, पहला पर्पस ये कि जीवात्मा जो भगवान से प्रेम नहीं करना चाहता और खुद ही भगवान बनना चाहता उसको ये सुविधा दी जाए कि वो भगवान बनने का प्रयास कर सके, लेकिन भगवान प्रेम करते तो भगवान पूरी फैसिलिटी देते हैं उस फैसिलिटी का, लेकिन जब व्यक्ति दुरुपयोग करेगा तो उसको सजा मिलती है। आपस में ही लोग करते हैं क्योंकि सभी भगवान बनना चाहते हैं, तो भगवान तो एक ही हो सकते हैं। तो एक पर्पस यह है सृष्टि का, दूसरा पर्पस यह है कि उसकी मेंटेलिटी जो करप्ट हो चुकी है, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, खुद ही भगवान बनना चाहता, उस मेंटेलिटी को सुधारा जाए, इसके लिए सृष्टि कृष्ण हुई है। तो क्लियर है, कुछ इसमें शंकाएं हैं? कोई शंका तो नहीं है? ये संसार जो है जेल के समान है, तो जेल से फ्री होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति जो है करना पड़ेगा, भगवान से प्रेम विकसित करना पड़ेगा। भगवान से प्रेम विकसित करने की जो विद्या है, जो कला है, जो जो विज्ञान है, उसको भक्ति योग कहा जाता है। तो भक्ति योग का प्रारंभ होता है भक्तों के संग में भगवान के नाम जप करने से, कीर्तन करने से, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। लिख लिया है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक, आगे चले फिर नेक्स्ट। उसे सपने क्यों आते हैं, इनके जीवन में क्या महत्व है, क्या भगवान का सपना सच होता है? ये सपने जो है वास्तव में इसका बहुत डीप एक विज्ञान है, जिसको कई सारे पुराणों में और वेदांत सूत्र में भी इसका वर्णन किया गया है व्यासदेव जी के द्वारा। गरुड़ पुराण में स्पेशली इसका वर्णन है सपने के माध्यम। और सपने वास्तव में अगर एकदम क्रक्स अगर बताया जाए जो सत्य है परम सत्य, वो ये कि सपने जो है वो कुछ संकेत होते हैं, वो सत्य नहीं कह सकते उसको, लेकिन झूठ भी नहीं कह सकते, वो किसी चीज़ का संकेत होते हैं। अब उस संकेत को पढ़ना समझना आना आ जाए अगर किसी को तो वो उसका लाभ उठा सकता है, लेकिन उन संकेतों को समझना पढ़ना उसको जानना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं, पूरा एक PhD के बराबर है। और अभी हम जिस स्थिति में हैं वो सपनों के बारे में, सपनों के विज्ञान के बारे में PhD करना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत डीप साइंस है। तो सपने जो है किसी चीज़ का संकेत होते हैं, एक तो ये कि सपने जो आते हैं हमें वो हमारी जो मनस्थिति है उसको दर्शाते हैं कि हमारे सटल माइंड में सटल कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है, उस चीज़ को दर्शाते हैं। तो सूक्ष्म हमारे मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, हमारे जीवन में मूल रूप से चार भागों में अपने आप को विभाजित कर सकते हैं। एक हमारे जीवन का वो भाग है जो सब लोग जानते हैं, हम भी खुद भी जानते हैं हमारे बारे में और सब लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। एक भाग ये होता है कि जो दूसरे जानते हैं हमारे बारे में लेकिन हम नहीं जानते खुद के बारे में। एक होता है जो हम जानते हैं खुद के बारे में लेकिन दूसरे को नहीं जानते, केवल हम अपने अंदर ही रखते हैं। और कुछ होता है जो ना हम जानते हैं ना दूसरे जानते हैं, वो सटल वो रहते हैं हमारे मन के अंदर, जो संस्कार हैं बहुत ही गहरे होते हैं, कई बार वो संस्कार जो हैं वो सपनों के रूप में बाहर आते हैं। तो सपने जो है वो संकेत होते हैं, उनको उस संकेतों को समझने का पढ़ने का विज्ञान जो है बड़ा डीप होता है, जैसे मेडिकल साइंस आपका या आपका एस्ट्रोलॉजी है। हम देखते कई बार कि जो है ज्योतिष विज्ञान जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत गहरा विज्ञान है, लेकिन
गहरे विज्ञान में पारंगत होने के बाद भी कई सारे ज्योतिषियों के जो एस्टिमेशन हैं, जो उनके भविष्यवाणियाँ हैं, वो गलत हो जाती हैं। ऐसा होता है ना, जैसे मौसम विभाग है, इतना सारा उसका बहुत डीप साइंस है मौसम विज्ञान, लेकिन फिर भी उनके प्रेडिक्शंस जो है वो गलत होते हैं। तो जितने भी अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है भगवान की तरह, या बहुत जैसे नारद जी जैसे जो संत होते हैं उनकी तरह कोई बहुत दक्ष नहीं है इस विज्ञान को समझने में, तो वो गलती करेंगे। तो हमें जो सपने हैं उसको ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा एकदम गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, थोड़ा गंभीरता से लें, एक संकेत मिलता है फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, और वो संकेत होता है किसी चीज़ का, उसको पढ़ना आना चाहिए। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग आता है, और भी कई सारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से प्रसंग आते हैं। जब कंस जो है, कंस के बारे में जानते हैं ना, तो कंस को मारने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंच गए थे वृंदावन से, तो उसके एक रात पहले जो है जो उसको सपना आया कंस को, उदाहरण हम दे रहे कि क्या सपना है, भागवत में बीच में पढ़ेंगे उसका वर्णन है कि कैसे उसको सपना आता है। उसने देखा कि जो है वो गधे पर बैठकर जो है दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, और शरीर में कोई उसके वस्त्र नहीं है, ऐसा जीव जीव उन संकेतों के माध्यम से उसने मिरर में देखा, तो उसको अपना सर दिखाई नहीं दिया, शरीर दिखाई दिया, केवल ऐसे ऐसे कुछ संकेत मिल रहे थे। उन संकेतों से उसको पता चल गया कि मेरी मृत्यु आने वाली है, ऐसे कुछ संकेत होते। सपने में भी उसने कई चीज़ें देखा, तो ये सब लक्षण होते हैं। तो बट अभी हम लोग जो है संकेतों को अच्छी तरह से समझने के लायक नहीं है, तो इसमें ज़्यादा माथा फोड़ी नहीं करनी चाहिए। फिर एक बार हमने सपना देख लिया, सपने बुरा देख लिया, फिर उनको क्या करें, चिंता नहीं करना चाहिए, भक्तों को किसी चिंता की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा डरावना सपना है तो फिर नरसिंहदेव का जो है नरसिंह आरती गाएँ और खुश रहें, हरे नाम लें, जोर से भगवान के नाम का उच्चारण करें, हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। भगवान से जो है भय साक्षात भी भयभीत रहता है, तो भगवान का नाम लेंगे तो सारा भय जो है चला जाएगा, जब विश्वास के साथ लेंगे तो ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जो नॉर्मल सपने आते हैं क्लियर है। अगर लेकिन बीप में अगर तो कर देखा जाए तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है, और वास्तव में देखा जाए तो संसार में जो है एक स्वप्न की भांति है, स्वप्न की तरह है, एक संकेत है कि हम किस कहाँ हैं, हमारी स्थिति कितना, भगवान को भूले हुए हैं, कितना याद कर रहे हैं। दूसरे से हमारे सपने जो आते हैं वो भी संकेत है, तो सपने जब आते हैं उसमें जो एक्सपीरियंस होता है वो तो एक्सपीरियंस तो जीवात्मा को होता ही है, तो एक्सपीरियंस तो रियल है, लेकिन उसमें जो घटनाएं बताई जा रही हैं वो सच नहीं है, लेकिन वो एक संकेत है, किसी चीज़ का इंडिकेशन है। अब प्रश्न आता है भगवान का सपना क्या सच होता है, तो सपने में अगर भगवान दिखाई दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो ये भी एक संकेत है, तो सपने में भगवान दिख रहे हैं तो बहुत पहले अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान सपने में दिख गए हैं तो बस अब तो हम बहुत बड़े भक्त हो गए, अब हमें कोई करने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी आप थोड़ा माला कितना माला करते हैं, दो माला, प्रभु जी आप थोड़ा 16 माला शुरू करिए, 16 माला आपको पता है प्रभु जी मेरे सपने में भगवान आए थे, आप मुझे क्या माला कराओगे, मैं तो वैसे एडवांस हूँ, ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान भी सपने में आते हैं तो कुछ संकेत हमें देते हैं,
कुछ हमसे कहना कहते हैं उसको अगेन वो ये कि पढ़ने का उसको जानने का विज्ञान होता है, वो हमें पता नहीं है। गुरु का भी कई बार सपना आता है, जब डायरेक्टली जैसे प्रभुपाद जी जब वानप्रस्थ आश्रम में थे, वृंदावन में रहते थे, घर छोड़ चुके थे, तो उनके गुरु उनके सपने में आते थे और बोलते बोले कि आप संन्यास लो। प्रभुपाद बोले नहीं नहीं मैं संन्यास नहीं लूंगा, मैं योग्य नहीं हूँ, हालांकि घर छोड़ चुके थे। तो दो बार तीन बार उनके सपने में उनके गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तीन बार को फोर्स किया, तो फिर उन्होंने बल्कि गुरु महाराज चाहते हैं तो फिर उन्होंने फिर संन्यास लिया। इस तरह से और भी हम शास्त्र में वर्णन सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं कि जो है एग्जाम्पल के तौर पर एक बहुत महान वैष्णव थे इस कौम के अंदर ही, जिसका नाम था परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज। उड़ीसा में एक मंदिर था, पुराना मंदिर, उस मंदिर के पुजारी को भगवान ने जो विग्रह थे अर्चित लोगों ने सपने में आकर दर्शन दिए और बोला कि ये जो है मुझे जो है तुम इस फॉर्म में दे दो, गौर गोविंद स्वामी है उसको मेरी सेवा उसको दे दो, तुम बूढ़े हो चुके तुमसे नहीं हो पाएगा, अब तुम उनको दे दो। वही सपना जो है उन्हीं डिटीज ने गौर गोविंद महाराज को भी दिया। तो फिर वो जब इस फॉर्म मंदिर पहुँचे भुवनेश्वर में तो उनसे बात हुई, तो मंदिर की सेवा की। तो भगवान जो है वो सेवा दे सकते हैं सपने के माध्यम से, लेकिन भगवान सपने में कुछ बोले हैं, गुरु सपने में बोले हैं, उसको वैष्णव के माध्यम से क्लियर भी करवाना चाहिए कि ऐसा ऐसा सपना है तो क्या करना है। अगर मैच कर रहा है कर जाएगा तो मतलब कि सही था। तो ऐसे तो सपने में कई लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें सपने में आया भगवान ऐसे ऐसे बोल दिया, ये माला करने की कोई जरूरत नहीं, तो ये भगवान का सपना नहीं है। इसका मतलब भगवान कभी ऐसी चीज नहीं बोलेंगे जो आपकी भक्ति के लिए प्रतिकूल हो, जो शास्त्र से मैच नहीं कर रहा है, जो गुरु साधुओं से मैच नहीं कर रहा, भगवान कभी ऐसी चीज नहीं बोलेंगे। हो सकता है कुछ ऐसी चीज बोल दें जो वैष्णव नहीं बता पाए हों किसी कारण से, और भगवान या वैष्णव ने बताया भी हो, आपने गंभीरता से नहीं लिया हो, भगवान को लगे कि ये बताएंगे तो ये गंभीरता से नहीं, हो सकता है भगवान एम्फसाइज करके बताएं कुछ। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए कि अरे सपना हो जाए सपना आएंगे, सपनों से बाहर निकले और रियलिटी में आए और देखें हम कहाँ हैं, हमारे अंदर कितने काम और लोग कितना ज़्यादा भी है, उसको कम करने का प्रयास करो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अगेन वही है जैसे पिछला 40 साल प्रश्न था, भगवान हमें कष्ट क्यों देते हैं? एक्चुअली भगवान कष्ट नहीं देते, कष्ट देने वाले जो एजेंट्स हैं भगवान की, माया देवी, वो हमें कष्ट देती है और हमारे कर्मों के अनुसार। तो बुरा व्यक्ति के साथ होता है अगर, तो वास्तव में वो उसी के कर्मों का फल होता है। इसके बारे में एक सेमिनार भी है बहुत लंबा चौड़ा 2 घंटे का, वो तो भी हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन सपने लेकिन जो अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है वो इसीलिए होता है, वो हमारे कर्मों का वास्तव में फल होता है। कुछ हमने पूर्व में अच्छे कर्म भी किए हैं, कुछ बुरे कर्म भी किए हैं, तो जब बुरे कर्मों का फल आता है तो बुरे कर्मों का जब वो समय आता है कर्मों के फल देने का, तो बुरे कर्मों का फल हमें मिल रहा होता है, और जो अच्छे कर्म हैं उनका फल भी मिलेगा कभी ना कभी, लेकिन यह निर्णय हम नहीं करेंगे कि कब हमें अच्छे कर्मों का फल चाहिए कब बुरे कर्मों का फल चाहिए। यह निर्णय हम कर सकते हैं मृत्यु के बाद, यमराज जी एक बार मौका देते हैं, उस समय आपसे पूछते हैं कि आपके अच्छे कर्म भी हैं बुरे कर्म भी हैं, आप कौन से कर्म का फल पहले भोगना चाहते हैं, तो धर्मराज उस समय मौका देते हैं, अदरवाइज एक बार मौका उसके हिसाब से हमने चूज कर लिया हमारे